नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग, कर्नाटका हेल्थ प्रमोशन ट्रस्ट एवं केयर इंडिया एवं अन्य स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से 2025 तक बिहार को टीबी मुक्त बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। टीबी जागरूकता अभियान के तहत पश्चिमी चंपारण जिला के जिला मुख्यालय बेतिया स्थित जिला यक्ष्मा कार्यालय में टॉक शो का आयोजन कर्नाटका हेल्थ प्रमोशन ट्रस्ट एवं केयर इंडिया जिला इकाई के सहयोग से आयोजित किया गया। टॉक शो में उपस्थित टीबी बीमारी से निजात पा चुके टीबी चैंपियन अमृता देवी ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें टीबी की बीमारी है तो पहले तो वो घबराई, लेकिन डॉक्टरी सलाह और नियमित दवाई के सेवन से वो पूरी तरह ठीक हो गई। वहीं दूसरी टीबी चैंपियन ने बताया कि जब मुझे खांसी के साथ बुखार आने लगा तो 2 सप्ताह से ज़्यादा दिन रहा। उन्होंने सरकारी अस्पताल में जाँच कराया जहाँ वो टीबी बीमारी से संक्रमित पाई गई। संक्रमित का पता चलते ही उन्होंने लगातार 6 माह तक टीबी बीमारी की दवा का कोर्स पूरा किया और आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। सर, नाम आपका? अखिलेश कुमार। आप किस पोस्ट पे हैं? एसटीएलएस के पोस्ट पे। अच्छा, टीबी बीमारी के बारे में कुछ बताएंगे सर? देखिए, टीबी बीमारी के टीबी विभाग में ही हम लोग काम कर रहे हैं। टीबी मैंने एक जानलेवा बीमारी तो है नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। लोगों के मन में आज भी भ्रांति है कि टीबी अगर हमको हो जाए तो ये जल्दी ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि टीबी पूर्णतः ठीक हो जाने वाली बीमारी है। इसे डरे नहीं, है ना। जब भी आपको लक्षण दिखाई दे, 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी हो या भूख नहीं लग रहा हो, वज़न कम हो रहा हो, बुखार आ रहा हो, तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएँ, बलगम की जाँच करवाएँ। अगर आपके बलगम में रोग की पहचान हो जाती है तो आपको वहाँ से निःशुल्क दवा मिलेगी और साथ ही सरकार के द्वारा पोषण के लिए आपको 500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, है ना। इसलिए आप इसको छिपाए नहीं, इसको अपनाएं और जल्द से जल्द रोग मुक्त हो जाए। इस दौरान बेतिया नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष गरिमा देवी सिकरिया ने आम जनता से अपील की कि अगर किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक दिनों से खांसी, बुखार और वजन में कमी होने पर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच करवाना चाहिए। सरकार द्वारा रोगी का निशुल्क दवा एवं प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये दिया जाता है। टीबी बीमारी के प्रति आम जनता से क्या अपील करना चाहती है? यह बहुत पुरानी बीमारी है, भारतवर्ष की यह बहुत ही पुरानी बीमारी है और इसका क्योर है, इसका उपचार है, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से आम जनता अभी भी इस रोग से पीड़ित है, ग्रसित है। जबकि सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसमें फ्री टेस्टिंग होती है, फ्री हेल्थ केयर होता है इनको, और उसके साथ साथ ही इनको मंथली 500 रुपीज़ भी दिया जाता है अगर ये अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। टीबी एक फेफड़े की बीमारी है और फेफड़े की बीमारी साधारणतः फेफड़े में ही होती है और भी बहुत जगहों पे होती है, लेकिन इसके आम लक्षण पता हो जाने के कारण अगर व्यक्ति सही उपचार करा ले तो समय से वह इस बीमारी से निजात पा सकता है। तो जानकारी का अभाव भारतवर्ष में हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में यही चीज़ आते हैं, जानकारी का अभाव। सरकार की तरफ से पूरी तरीके से सुविधा उपलब्ध करा देने के बाद भी, बहुत प्रयत्नत होने के बाद भी, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि फील्ड के और कई जगह पे ऐसे मतलब उसका उपचार नहीं हो पाता है, आप उससे आपको रेमेडी उसकी मिलती नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि हम जैसे जनप्रतिनिधि लोग हैं जो इस चीज़ को और से लोगों को जागरूक करें, बताएं कि इसका सही उपचार किस तरीके से कराया जा सकता है और कहाँ उनको जाना है, किस तरीके से वो इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। और सारा यह जो धारणा बनी हुई है कि यह छुआछूत की बीमारी है, छुआछूत की बीमारी नहीं है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होता है, जिसमें इससे आदमी अगर खांसते समय परहेज रखे, अगर रुमाल का उपयोग करे और एक दूसरे से दूरी बनाए रखे तो इस उपचार दूसरों को ग्रसित नहीं कर सकता है। तो आम धारणा को मिटाना है, लोगों को समझाना है और फील्ड वर्क पे यह काम करना है, लोगों में यह मानसिकता पैदा करनी है कि कोई भी बीमारी का निदान है, उपचार है और सरकार इसमें पूरी तरीके से मदद कर रही है। तो आप जितना जल्दी हो सके इस जगत इस बीमारियों से निजात पाए, क्योंकि कोरोना भी एक फेफड़े की ही बीमारी है, जिसमें सांस की बीमारी है, जिसमें पूरी तरीके से अगर व्यक्ति उस स्टेज पे पहुंच जाता है जिसमें कि उसको फिर
बचाया नहीं जा सकता है, तो इसलिए समय से इसका उपचार कराएं और इससे जल्द से जल्द हो सके अपने स्वास्थ्य विभाग से अपने नियर केयर सेंटर पे जाइए और अपना इलाज करवाएं। यह मेरी अपील है लोगों से, रिक्वेस्ट। कार्यक्रम में उपस्थित CDO डॉक्टर TN प्रसाद ने बताया कि TB जागरूकता अभियान के तहत हर माह जन आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पिछले माह जन आंदोलन के तहत पंचायत प्रतिनिधियों एवं धार्मिक गुरुओं के सहयोग से TB बीमारी के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया था। इस माह जन आंदोलन कार्यक्रम में TB बीमारी से बचने के लिए, फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए समुदाय को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जन आंदोलन थीम के तहत अभी कौन कौन से काम हो रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? देखिए, निश्चित शपथ एक होता है जो सभी गांव में जाकर लोग एक तरह के शपथ लेते हैं लोग कि TB हम लोगों को नहीं होने देना है, TB के बारे में जागरूकता फैलाना है और हमारे PRI मेंबर बढ़ चढ़कर इसमें कार्य करते हैं लोग। देहात में वार्ड कमिश्नर लोग हैं या जो लोग भी एक्टिव लोग हैं, जैसे हमारी मैडम है, जुड़ी हुई हैं इस संस्था से हम लोग के साथ। सर, इस महीने क्या थीम है जन आंदोलन का? आपसे बताया ना कि जन आंदोलन फेफड़ा कैसे मेरा स्वच्छ रहेगा जी, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो सिगरेट पीना है, तंबाकू पीना है, उसको बहिष्कार करना है, ये मेरा जन आंदोलन का एक पार्ट है। ठीक है सर, धन्यवाद। न्यूज़ 24 के लिए अमित कुमार बनवाल की रिपोर्ट।